आश्रमों की बात कहाँ की गई। आइलैंड का पार्टर विनिमय है। क्वेश्चन नंबर 4 कि किस लेखक ने राष्ट्र को स्पष्ट या ऐतिहासिक घटना मान लिया है, तो अर्नेस्ट कि द राइट ऑफ मेरिटोक्रेसी किसने लिखी है, तो माइकल यंग ने। 406 है कि आधुनिक राज्य की संरचना में किस तत्व को शामिल नहीं किया जा सकता है, तो मुखिया को शामिल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 407 है कि शैक्षणिक प्रबंधन के किस स्तर पर संकलनात्मक कौशल की सर्वाधिक जरूरत होती है। शैक्षिक प्रवर्धन के आपका जो शीर्ष प्रवर्धन स्तर है, जैसे शिक्षा निर्देशक, उस पर इसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 408 है कि किस प्रकार के मतलब शैक्षणिक गतिविधि हो रही है लेकिन उसके चारों घर भी मौजूद हैं। 409 है कि आदिम समाजों में कानून को लागू कर। क्वेश्चन नंबर 410 है कि सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लेखक कौन है, तो एम एस राव। मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन राव। ऐसा किसमें माना गया है, तो ऐसा जो है वो वेदों में माना। विकास के गांधीवादी पथ पर भारत में जाति और जनजाति नामक थर्स्टन यानी दक्षिण भारत में जाति और जनजाति ये पुस्तक। समुदाय है तो व्यक्ति की गतिशील नियम कब बना। 420 जन सेवक संघ कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली। 21 भारत के पिछड़े वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है, 52%। ग्रामीण समाज की एकता के लिए उत्तरदायी कारक कौन है, तो अनुभवों की समानता सामान्य उद्देश्य। 423 हो जनजातियों में माना के लिए प्रचलित शब्द को क्या कहा जाता है, तो हो जनजाति बोंगा, हो बोंगा। 24 के अनुसार नगरीयता की कौन सी विशेषता है, तो परजीवी, विखापन एवं विषमता। क्वेश्चन नंबर 425 चार्ल्स कूने ने छोटे ग्रामीण समुदायों को किस नाम से पुकारा है, तो प्रार्थना समूह के नाम से। 426 समाज राज्य किस तत्व का निर्धारण करता है, अधिकार क्षेत्र का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 428 समझौते के सिद्धांत का वर्णन तो क्या कौन है, तो इस उसके लेखक का नाम गरीबी की संस्कृति।
खाण को क्या कहा जाता है? तो सत्वा, ठीक है। इसको ये जो संघ कहा और बाजूबंद को क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। दास प्रथा में समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो दास प्रथा में जो समाज था वो थी आपका तीन वर्गों में बटा हुआ था, जिसको कि पहला था स्वतंत्र लोग, स्वामी या मालिक एवं। क्वेश्चन नंबर 433 कि एक व्यक्ति की शक्ति उसका वह प्रभाव है जिस सीमा तक वह दूसरों के व्यवहारों को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित कर सकता है, यह कितना किसका है? तो गॉल टेमर एवं सेल्स का। क्वेश्चन नंबर 434 कि किसका मानना समाज की पूजा है? मुख्य रत्न क्या है? तो सत्य भाव, सत्याचार एवं सत्य ज्ञान। नहीं है तो अभिनेता, दर्शक, ये प्राथमिक संबंधों का उदाहरण है। 438 मदर राइट की धारणा किसने दी थी? मदर राइट की धारणा वेस्टरमार्क। 439 दादा पोती का विवाह किस भारतीय जनजातियों में पाया जाता है? तो कमार। 440 ईसाइयों पर लागू होने वाले तलाक अधिनियम, तलाक संबंधी जो नियम है भारतीय तलाक अधिनियम कहाँ से लिया गया है? तो 1869 में उपलब्ध है। 441 संयुक्त परिवार का प्रमुख आधार क्या है? तो धर्म। 443 कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनजाति पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उसको मत पिक करा दो, सर्वाधिक जनसंख्या बोल रहा है तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। जवान है तो 81 बर्ड्स। 445 परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली किस प्रकार का सहयोग है? तो यह प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएंगे। वह स्थान, वो साधन जिससे समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों में स्वीकृत मापों के साथ एकरूपता लगता है, उसको क्या बोला जाता है? सामाजिक नियंत्रण। 447 आत्महत्या के समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एमाइल दुर्खाइम ने। कानूनों को दो भागों में, प्रथागत कानून तथा वैधानिक कानून में किस विद्वान ने बांटा था? तो किंग्सले डेविस ने। संगठन के आवश्यक तत्व कौन है? सिद्धांत, लक्ष्य और स्वीकृति। समाज एक जीव रचना के समान है, यह कथन किसका है? स्पेंसर का। क्वेश्चन नंबर 451 यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय के कारण सर्वप्रथम पूंजीवाद का विकास हुआ, यह किसका विचार है? तो दुर्खिम का। 452 किस जनजाति में गांव की संपूर्ण भूमि पर सारे गांव वासी को होता है? टोडा जनजाति। 453 होपी जनजाति कहां पाई जाती है? तो एरिजोना में। 454 कौन सा अनुच्छेद संसद द्वारा विधानमंडल में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को प्रतिनिधित्व की विशेष सुविधा देता है? तो आपका अनुच्छेद 334। 455 की वस्तुओं के क्रेता विक्रेताओं से संबंधित स्थान जहां प्रत्यक्ष उपयोगिता पाई जाती है वो क्या कहलाती है? तो 456 लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल तो मटन। 462 समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो अगस्त कॉम्ट।
463 की किस समाज शास्त्री ने प्रकार्यात्मक उपागम के दो प्रकार प्रकट और अप्रकट प्रकारों में किसने विभक्त किया है? तो मर्टन ने। एथनोमेथोडोलॉजी के नामकरण किसने दिया है? गारफिंकल ने। क्वेश्चन नंबर 465 के किस जनजाति में तलाकशुदा स्त्री का सर्वाधिक सम्मान होता है? तो मिर्जापुर की कोडवा जनजाति में। 466 की आदि मानव समूह में क्यों रहता है? आदि मानव जो है वो समूह में क्यों रहता है? तो सुरक्षा और सामूहिक क्रिया के लिए। लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो रेड क्लिफ ब्राउन लिटिल कम्युनिटी। 468 तुलना के लिए प्रयोग किए जाने वाले समूह को क्या कहा जाता है? संदर्भ समूह। 469 कम्युनिटी एंड एसोसिएशन नामक लेखक कौन है? तो किंग्सले डेविस। अगस्त कॉम्प्ट ने सामाजिक संगठन को क्या माना है? तो एक सामान्य सामाजिक समझौता। 471 हमारे प्रथाएं व हमारे रीति रिवाज तत्व हैं। 472 बाल अपराध का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो पारिवारिक परिस्थिति। 473 वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन नहीं है यहाँ पे? सॉरी, एसे ऑन पॉपुलेशन किसकी रचना है? तो माल्थस की। आयु विशेष जनन दर का योग 1000 प्रति विशेष आयु वर्ग अंतराल किससे संबंध सूत्र है? तो सकल जनन दर का। 477 की हिंदू विवाह अधिनियम क्या है? तो ये एक संस्कार है क्योंकि यह वैदिक धारणाओं को भी स्वीकार करता है। 478 मुसलमानों में विवाह के कितने प्रकार प्रचलित हैं? तो 3 प्रकार प्रचलित हैं। 479 की गोद लिया हुआ पुत्र जो है वो किस नातेदारी के अंतर्गत आएगा? तो रक्त संबंध के अंतर्गत ही आता है। 493 वर्णाश्रम व्यवस्था किसको श्रेष्ठ एवं सर्वोच्च माना जाता है? गृहस्थाश्रम को। 494 की किस समाजशास्त्री का मानना है कि उत्पादन प्रणाली की लोगों की संस्कृति का निर्धारक है? कार्ल मार्क्स। 495 की राज्य का देवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या मानता है? तो ईश्वर ने ही राज्य को जन्म दिया है ये मानता है। क्वेश्चन नंबर 496 की राज्य की उत्पत्ति का आदर्शवादी सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? तो इसको आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 497 की भारत में मूक के साथ पूरक के रूप में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा लागू किया जाना किसे सुकर बनाता है? तो विशेषकर यह वंचित समूहों के लिए शैक्षणिक अवसर की समानता हेतु।
और आपका जो मुक्त विद्यालय में पठन पाठन का ये 1982 से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 498, शिक्षा के समाजशास्त्र की अवधारणा में निहित समाजशास्त्र या परिपेक्ष की शिक्षा के आयोग पर विचार करना अवधारणा में निहित है। क्वेश्चन नंबर 499 कि भूदान और ग्रामदान का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक पुनर्रचना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मुंबई, नई दिल्ली, पटना और रोम प्रतीकात्मक नगर है किसके, तो रोम के प्रतीकात्मक। साथ बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 501 से लेकर 600 क्वेश्चन तक को कवर करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।